हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेडल शिफ्टर्स की, ये कैसे यूज करना है और इससे हमको क्या फायदा होता है। तो जब हम लोग ड्राइव करेंगे मैं आपको ये चीजें एकदम डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले ड्राइव करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जो राइट साइड का आपको लीवर दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिखा हुआ है, ये जो पेडल दिख रहा है राइट साइड का, तो राइट साइड से आप गियर्स बढ़ा सकते हैं, और जो लेफ्ट साइड का पेडल दिख रहा है, लेफ्ट में आपको माइनस दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड के पेडल से जो है आप गियर्स कम कर सकते हैं। तो अब मैं ड्राइव करता हूँ और ड्राइव करते करते आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देखना है आपको कि पेडल शिफ्ट जब भी आपको यूज़ करना है वो एस मोड पे यूज़ करना है। तो जब आप एस पे जाएंगे, एक तो आप गियर लीवर से ही गियर प्लस और माइनस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब आप ऊपर पुल पुश करेंगे तो प्लस होता है गियर, नीचे पुल करेंगे तो माइनस होता है। अब ये मैं आपको करके बता देता हूँ। अब आप इधर देख सकते हैं MID पे, अब मैं लीवर को ऊपर पुश कर रहा हूँ तो गियर जो है वो बढ़ रहा है। अब नीचे की तरफ पुल कर रहा हूँ तो गियर जो है वो माइनस हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे पेडल से भी अगर मैं राइट साइड वाला प्रेस कर रहा हूँ तो गियर बढ़ रहा है, और लेफ्ट साइड वाला जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो गियर कम हो रहा है। तो अब मैं ड्राइव स्टार्ट करता हूँ और आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। तो जैसा आप सबको पता है ये ऑटोमेटिक व्हीकल में आता है फीचर पेडल शिफ्टर्स। तो अब मैं डी मोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। फॉर्च्यूनर 6-speed ऑटोमेटिक है, तो 6-speed में डी में ये होता है कि 1 से लेके 6 गियर तक आपकी स्पीड के हिसाब से व्हीकल की और RPM के हिसाब से गियर्स 1 से 6 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा गियर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पीड कम होगा गियर कम होगा। बट ये ऑटोमेटिक गाड़ी में अगर आपको मैनुअल फील चाहिए या गियर्स मैनुअली चेंज करना है तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हाउएवर, ऑटोमेटिक गाड़ी आजकल काफ़ी एडवांस है, आपको मैनुअल नहीं भी करना है तो आपको बहुत अच्छा ड्राइविंग प्लेजर मिलेगा। बट कभी कभार अगर आपको मूड हो गया कि आपको गाड़ी से मैनुअल फील लेना है, इंस्टेंट ओवरटेक करना है, और एक्चुअल यूज़ इसका क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो फिलहाल मैं डी से एस में शिफ्ट करता हूँ। जैसे ही मैं एस पे शिफ्ट किया, एक चीज़ आप जो नोटिस करेंगे MID पे, यहाँ पे S4 पे आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्थ गियर पे गाड़ी चल रहा है, S4 का मतलब ये होता है कि 1 से लेके 4 गियर तक गाड़ी गियर अपने आप चेंज करेगा। अगर आप स्लो है तो फर्स्ट गियर से स्टार्ट करेगा, एंड सो ऑन, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अब S4 में मेरे को ओवरटेक करना है इमिडिएटली कोई व्हीकल को, तो मैं लेफ्ट वाला पेडल प्रेस करूँगा, 3 हो गया। अब इसमें क्या होगा, 3 में थर्ड गियर के ऊपर गाड़ी जाएगा नहीं। सिमिलरली और एक मैंने नीचे कर दिया तो 2 हो गया। अब इसमें सेकेंड गियर के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगा। तो जब आप हाई स्पीड पर ड्राइव करते हैं और एस पे करके पेडल का यूज़ करते हैं तो ये आपको इंजन ब्रेकिंग भी देता है। इंजन ब्रेकिंग से एडवांटेज क्या होता है कि गाड़ी आपका बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है आपको स्लो करना है तो। सिमिलरली जैसे ही आप गियर लॉक कर देते, जैसे मैंने S4 पे लॉक कर दिया या S3 पे लॉक कर दिया, तो जब भी मैं S3, S4 या जो भी मेरे मर्जी का गियर है उस पर लॉक करता हूँ तो वो गियर के ऊपर गाड़ी जाती नहीं है। तो इससे एडवांटेज क्या होता है, आप गाड़ी का टॉर्क कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने जैसा बताया यूज़ तो कर लिया कैसे यूज़ होता है, इसको आप ओवरटेक वगैरह इंस्टेंट करने के लिए कर सकते हैं। अब इसका जो एक्चुअल यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ऑटोमेटिक गाड़ी जब भी आप अपहिल वगैरह ड्राइव करते हैं तो अपहिल में ऑटोमेटिक गाड़ी में ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक्सीलरेशन के हिसाब से गियर बढ़ जाते हैं तो उसमें आपको इतना ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिलता है। बट वो सीनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, डी को एस में शिफ्ट कर दीजिए और आपके डिजायर्ड गियर जैसा स्टीप अपहिल है वो हिसाब से S2 या S3 पे लॉक कर दीजिए, जैसा मैंने अभी यहाँ पे लॉक किया। तो जैसे ही S2 वगैरह पे मैं लॉक कर देता हूँ तो होता क्या है, जब गाड़ी अपहिल पे ड्राइव कर रहा है तो सेकंड गियर के ऊपर जाएगा नहीं, सेकंड गियर के ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने S2 पे लॉक कर दिया है। तो वो टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क मिलता है और ड्राइविंग प्लेजर के साथ आपका गाड़ी जो अपहिल है उसे क्लाइंब कर देता है। सो होप ये वीडियो क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका भी आंसर क्वेरी में सॉल्व कर दूंगा। एंड प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।